अपनी मांगों को लेकर प्रदेश भर के आढ़ती हड़ताल पर चल रहे हैं। वहीं हड़ताल के कारण किसान की धान नहीं खरीदी जा रही। किसानों के धान कुछ खेतों में बारिश में खराब हो रही है तो कुछ किसानों के धान मंडियों में पड़ी है, जिससे किसानों में भारी रोष है। धान की खरीद न होने के विरोध में आज करनाल के निसिंग मार्केट कमेटी कार्यालय में किसानों के प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी धान न खरीदी गई तो वे आंदोलन छेड़ने पर मजबूर होंगे और सीएम आवास का घेराव करेंगे। ई ट्रेडिंग प्रणाली के विरोध, बढ़ाई गई मार्केट फीस सहित अन्य मांगों को लेकर आढ़ती हड़ताल पर चल रहे हैं। शुक्रवार को आढ़तियों ने आमरण अनशन करने का ऐलान किया। वहीं आढ़तियों की हड़ताल के चलते किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की धान मंडी में पड़ी हुई, लेकिन आढ़ती अपनी मांग को लेकर अड़े हैं। जब तक आढ़तियों की हड़ताल खत्म नहीं होगी, किसानों की धान भी नहीं खरीदी जा सकती। करनाल की निसंग अनाज मंडी में धान की खरीद न होने से किसानों में भारी रोष है। गुरुवार को किसान यूनियन ने निसिंग मार्केट कमेटी के कार्यालय के बाहर किसानों के साथ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसानों ने कहा कि सरकार की किसी प्रकार की मनमानी नहीं चलेगी। आढ़ती यदि किसानों के धान खरीदते हैं तो किसान उनका सम्मान करेंगे, नहीं तो जितनी जिम्मेदार सरकार उतने ही आढ़ती भी हैं। उनकी मांग है कि धान की खरीद जल्द शुरू नहीं की गई तो किसान आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है। वहीं बारिश के कारण किसानों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि मंडियों में आढ़तियों की हड़ताल है, धान की खरीद नहीं हो पा रही। किसानों की कुछ धान मंडियों में पड़ी है तो कुछ खेतों में पड़ी बारिश में खराब हो रही है, जिससे किसान परेशान है। करनाल से अमित भटनागर की रिपोर्ट। अगर किसी भी किसान को परेशान किया, हमारा डंडा भी मजबूत है और झंडा भी मजबूत है। किसी भलेखे में सरकार मत रहे कि मनमानी चलेगी। हरियाणा प्रदेश में पूरी तरह से इनकी किसी प्रकार की मनमानी नहीं चलने देंगे। उसके लिए पर्चे दर्ज करवाने पड़ेंगे तो पर्चे दर्ज करवाएंगे। लाठीचार्ज इन्होंने करना तो वो इन्होंने करके 100 बार देख लिया। आगे होके किसान यूनियन लड़ेगी, पीछे सभी किसान हो गए। ये सरकार किसी भलेखे में न रहे। यूनियन का कोई चक्कर नहीं, आपके मोटे के तौर पे चल रहे हैं। आढ़तियों ने कर की हड़ताल, जब सारा साल खाली थे, 1.5 साल हो गया, इनकी फीस कम की थी। ये चाहते ये हैं जो आढ़ती हैं, इनका मतलब ये है कि इनके कंधे पर धरके चलाओ किसानों के। ये सड़कों पर ये बैठे हैं, लोगों की गालियां ये सुने, लोगों की नजरों में गुंडे ये बने और मजे ये ले। ऐसे इनके मजे नहीं चलने देंगे। आगे इनको भी लेकर जाएंगे। अब अगर कोई प्रोटेस्ट करना है तो हमारे साथ चले। अगर इनकी कोई मांगे है तो प्रोटेस्ट करें। धान की फसल है, गेहूं की फसल है, मंडी में आती है, तभी ये प्रदर्शन करना शुरू। हमारे लिए जितनी चोर सरकार है उतने ही चोर ये आढ़ती बने हुए हैं। अगर तो हमारी फसल खरीदते हैं, हम इनका सम्मान करते हैं, नहीं तो हमारे लिए ना उतने ही चोर आढ़तियां हैं और उतनी चोर सरकार है। जो ये सरकार है, ये गलत नीतियां इनको सीजन में क्यों लेकर आती है? कभी कोई गेट पास ठोक दिया, कभी कोई गेट पास ठोक दिया। मैंने ये भी अंदर बोल दिया, अगर आपने प्राइवेट खरीदनी है खरीदो, मैं निकलवाता हूँ यहाँ से ट्रालियां, देखते हैं कौन ये नीलामी का गेट पास काटेगा। और जो ये भाई साहब ने बात रखी हमारे, अभी ये संज्ञान में आई है, ट्रालियां अगर भर के लेके जानी पड़ेगी ना, मैं ट्राली आगे लगाऊंगा। देखो जहां भी लेके जाएंगे, देखो ये हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ है। ये इतना नकाम और इतना घटिया मुख्यमंत्री है कि हरियाणा प्रदेश से फसल पंजाब में बिक रही है जाके, हरियाणा प्रदेश की फसल नरेला मंडी में बिक रही है जाके। जिस दिल्ली को बोला जाता है कि ये तो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां किसानों की फसल बिक रही है, जहां हरियाणा धान का एक गढ़ है, यहाँ फसल नहीं बिक रही। ये इससे बढ़कर और शर्म की बात क्या होगी मुख्यमंत्री के लिए? और चार दिन से क्या कार्रवाई करी ये प्रशासन और मुख्यमंत्री बताए हमारे। डिसीजन ये लिया है यहाँ तो हमारी खरीद चालू करें। अगर खरीद चालू नहीं करेंगे उसके बाद जो यहाँ से ट्राली हमारी पड़ी है जीरी, वो तो बेचेंगे, जहां हमारा दिल करेगा वहां बेचेंगे जाके। और एक भी दाना यहाँ धान का नहीं आन देते। और जो पैसे मांगने आढ़ती आएगा वो हमारे पास भेजना, किसी किसान के पास नहीं जाएगा। दूसरा डिसीजन ये है मुख्यमंत्री के घर का होगा ग्राव, और उसको बोला जाएगा जो ये नहीं हमारी फसल खरीद सकते, इनके लाइसेंस कैंसिल करो, नए आढ़तियों को दो। गोटो गोटा पानी दे मुंडी पई है, पिछाण जान दे भी पैसे मांगते ने, अद्धी साडी फसल खेतां च पई रुलदी है, पानी उत्ते चढ़ गया, मुंजी डिग पई है, कल मीह नाल उत्ते पानी चढ़िया, अद्धी साडी उत्ते खराब हुंदी है, अद्धी इत्थे हुंदी है भाई। आज 10 दिन का सीजन है, 10 दिन बाद जीरी लभनी कित्थे वे इन्हां नूं, हुण इन्हां ने हड़ताल की है 4 दिन की। पता नहीं 10 दिन ही होना, बेचारा रोंदा पिया, मैं पिछा लैके चलिया हाँ एक ट्राली, मैं पिछा में जान के पैसे मंगते ने। एडी गंदी सरकार, एडी घटिया सरकार पैसे मंगती है, अपनी साड़ी जाए पूंजी इन्हें लाई है, 6 महीने बेचारा मर गया वक्त कर करके,
अगला फैसला घंटे का टाइम लिया जो मन के उस रेट देनी है ये गल सस्ती दे नहीं देनी जो सोच पानी भी लुट लाँगे अद्धे मुल से किसान नु की बचा फिर तू अग ला देंगे कुड़ी आवी नू जे अद्धे मुल से नहीं अं देंगे पूरे मुल से देंगे बाकी फिर दूजा साढ़े को लाज है डंडे से चंडे वाला सड़क भी जाम करा जो सीएम वाल जो इन्होंने हड़ताल की उसे इन्हों का मूत्र वग गया तू घंटे ला आया उ पालिया अंधेरिया धुप्पा ला आया ये दो घंटे जी हूँ भजे ने सानू नार ला लेना असं इन्होंने अगे लगा अगे लग के जाएंगे लगते मुंजी नहीं बिकती नहीं तो सानू चाह तो कोई वेले तो कोई असी साडी मुंजी नहीं जी बिकती है इस करके आने बिकती कि लेंदे नहीं पे इन्होंने इन्होंने सिर्फ यही सोचा कि ये किसान के मोटे से किसान के मोटे से धरके इन्हों किसान फिर उ ले जाओ इन्हों अगे लाओ डिसीजन ये है जी एक तो सरकार की गलत नीतियाँ ऊपर से आढ़ती एसोसिएशन का जो प्रोटेस्ट का तरीका वो बिल्कुल गलत है। अगर प्रोटेस्ट करना है किसानों ने 13 महीने प्रोटेस्ट किया है ये नहीं उन्होंने अपना काम छोड़ दिया गेहूं गोई गेहूं को मंडी में लेके आए सारा काम अपना करते रहे हैं ठीक है आप एक दिन का संकेतिक हड़ताल कर लो लेकिन उसको जो है किसान का नुकसान तो ना करो। 25,000 क्विंटल यहाँ निसिंग मंडी में जीरी पड़ी तो जो भी नुकसान हुआ है ये हड़ताल की वजह से हुआ है। कुछ किसानों ने जीरी नहीं कटवाई है वो भी हड़ताल की वजह से नहीं कटवाई है भी चलो मंडी में बिकनी नहीं एक दो दिन तो नहीं कटवाते हैं बारिश की वजह से वो भी नुकसान हो ओपन में बिक रहा है धान काफी बारिश में बिल्कुल जी ये मार्केट कमेटी की फेलियर है। शेड के नीचे गेहूँ के कट्टे अभी तक लगे हैं वो नहीं उठवाए गए और जीरी जो बारिश